Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the bandwidth of the amplitude modulated wave and the power radiated by the amplitude modulated wave and what is the need of the modulation. On the last turn we have seen about the modulation index. Now we are seeing the bandwidth of the EM wave. So bandwidth, basically what is the bandwidth? It is the difference between the maximum and minimum. जो frequency available होती है signal में उसके difference को that is called the bandwidth. Suppose F1 is the minimum and F2 is the maximum frequency, then bandwidth will be, अगर हम इसका bandwidth निकालें that will be the difference between the F2 minus F1. That will be the bandwidth of the signal कहलाएगा. तो अब हम यहाँ पर bandwidth के बारे में we are discussing what is the bandwidth हमारी क्या होगी. तो first we are seeing that bandwidth is the difference between the highest and the lowest frequencies of the signal. Mathematically we can write it BW बराबर F maximum minus F minimum. Now consider the following equation of the amplitude modulated wave. Amplitude modulated wave की जो हमने equation last turn पर drive की थी that is the this equation. ST is equal to AC 1 plus M cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT. Now if we solve this equation, then for solving this equation we multiplied it, then we are getting the equation in this format. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है. अब हम इसमें ये वाला कंपोनेंट हमने ऐसे ही पुट कर दिया. नाउ हमारे पास दो कंपोनेंट ये बचे, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 cos a cos b ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं 2 cos a cos b का. तो दैट विल बी इक्वल टू द किसके बराबर होगा ये cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2. तो नाउ डायरेक्टली पुट एंड हेयर acm अपॉन 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन वी आर गेटिंग द सच टाइप ऑफ, ये हमारे पास आउटपुट आ. अब हम क्या करते हैं कि इसको देयर आर 3 कंपोनेंट इन दिस पार्ट. इसमें हमारे पास 3 बेसिकली कंपोनेंट है. कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट पार्ट इज दिस, दैट इज द, वी कैन से द फर्स्ट पार्ट इज द कैरियर सिग्नल. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस. तो वी हैव द 3 पार्ट. हेंस द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हैज 3 फ्रीक्वेंसी. दीज आर द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम and the lower sideband frequency FC minus FM. Hence F maximum जो हमारे पास है वो FC plus FM होगा और F minimum FC minus FM होगा. Substitute F maximum F minimum की value को put करने के बाद हमारे पास जो bandwidth आता है that is the 2 FM के equivalent आता है. तो hence it can be said bandwidth required for amplitude modulated wave is twice the frequency of the modulating signal. नाउ वी कैलकुलेट द पावर. अब हम इसी पावर कैलकुलेट करते हैं. तो वी नो दैट वॉट इज द पावर. फॉर्मूला ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज दिस. नाउ पावर ऑफ द एम वेव इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड. तीनों की पावर अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें, उनका सम कर दें, तो वी विल गेट द पावर. So here we are getting the PT is equal to PC plus P upper sideband, P lower sideband. Or that is the P, actually what is the power? Power ka hamare paas formula hota hai VRMS ka square upon R. R resistance hai, VRMS voltage. So that is the P can be calculated. VRMS ki jagah we can write the VM upon root 2. So VM here is the maximum voltage. तो Vm अपॉन रूट टू का स्क्वायर एंड अपॉन आर. देन बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द पावर दैट विल बी द Vm स्क्वायर अपॉन
टू आर, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वी आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द कॉस सिग्नल, वी एम इज द पीक वैल्यू ऑफ द कॉस सिग्नल। अगर हमारे पास कोई सिग्नल v इज इक्वल टू वी एम कॉस 2 पाई एफ टी दे रखा है, तो यहां पर इसका जो हमारे पास वी एम है दैट इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जो वी आर एम एस है दैट इज द आर एम एस वैल्यू। तो इसी फॉर्मूले के तहत हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यूज लाइक पी सी, जो हमारे पास यहाँ पर ये सिग्नल था कैरियर सिग्नल था, हमारे पास जो सिग्नल था दैट वाज द कैरियर सिग्नल। तो इसकी अगर हम कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट अगर हम करना चाहेंगे, तो ये हमारी कितनी होगी कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, दैट इज द फ्रिक्वेंसी ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर। इसी तरह से अगर हम अपर साइड बैंड जो हमारे पास होगा उसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एट आर आए, बिकॉज अपर साइड बैंड का हमारा एम्पलीट्यूड है ए सी एम अपॉन टू, और इतना ही लोअर साइड बैंड का है, तो ए सी एम अपॉन टू रूट टू, रूट टू से डिवाइड करेंगे आर एम एस से वी दैट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से हमारा ये लोअर साइड बैंड का आ गया। तो टोटल जो पावर होगी पी टी दैट विल बी द सम ऑफ द पी सी प्लस पी अपर साइड बैंड और पी लोअर साइड बैंड, इन सब का सम होगी, और पी टी इज इक्वल टू वी कैन कैलकुलेट दिस ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर कॉमन ले लेते हैं, तो पी टी इज इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला आया दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला वी आर गेटिंग पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, आ गया। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हमें कैरियर वेव की पावर दे रखी हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा हो, तो हम इससे पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू वन, देन पावर ऑफ द ईएम वेव इज द वन, पी इज इक्वल टू पी टी जो टोटल पावर होगा दैट विल बी द 1.5 पी सी, तो कैरियर वेव की 1.5 टाइम्स होगी। So the power required for transmitting the EM wave is 1.5 times the carrier power for a perfect modulation. Now what is the need of modulation? अब हम ये देखते हैं कि हमें modulation की क्या जरूरत है, क्यों हम modulation को use करते हैं। There can be several reasons of using the modulation. So first we are seeing that what is the हम इसमें क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम मॉड्यूलेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द मैसेज सिग्नल हैव ए वेरी लो फ्रिक्वेंसी। हम इसमें तीन फर्स्ट प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ द एंटीना, तो हम देखते हैं कि इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए हाइट एच ऑफ द एंटीना शुड बी लेमडा बाई फोर, जो एंटीना की हाइट है वो लेमडा बाई फोर होनी चाहिए अगर हमारा एंटीना प्रॉपरली इसको रिसीव कर रहा है सिग्नल को। लेकिन अगर हमारे पास कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है तो फ्रिक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो लैम्डा हमारा बहुत हाई होगा और उससे एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 20 किलो हर्ट्ज़ का हमारे पास सिग्नल है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा विल बी कैलकुलेटेड सी इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन लैम्डा 15 किलोमीटर आ रहा है, एच इज द हाइट इज द 15 किलोमीटर, तो इज इट पॉसिबल, दैट इज ए वेरी टिपिकल कि हम इस हाइट का एंटीना बना लें। तो वी नीड द मॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल ओवर द हाई फ्रिक्वेंसी। तो अगर हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी वजह से हमारा जो है एंटेना की हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा है नैरो बेंडिंग ऑफ द सिग्नल। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दे रहे हैं तो हमारे पास 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऑडियो सिग्नल है। इफ ये डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं तो इनका रेशियो जो हमारे पास आता है 20 किलो हर्ट्ज अपॉन 20 हर्ट्ज दैट विल बी द 1000, इनका रेशो हमारे पास 1000 का रेशो आता है। बट इफ द दिस ऑडियो सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड, अगर हम इसको मॉड्यूलेट कर दें
कैरियर सिग्नल से जिसकी फ्रिक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज है। तो हम देखेंगे इनका जो रेशो आएगा वो हमारे पास 1020 अपॉन 980, दैट इज लगभग 1.2 आता है। तो वी नीड मॉड्यूलेशन टू कन्वर्ट ए वाइड बैंड सिग्नल इनटू ए नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम में भी हमारा मॉड्यूलेशन आता है। तीसरा, जो हमारा एंटीना जो होता है उसकी जो रेडिएटेड पावर है दैट इज गिवन बाई P = L/λ का स्क्वायर। रेडिएटेड पावर ऑफ द एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू L/λ का स्क्वायर। L इज द लेंथ ऑफ द एंटीना और लेमडा इज द वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल विच इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू द एंटीना। तो यहाँ पर हमें ये दो वैल्यू दे रखी है। तो अगर दिस रिलेशन क्लियरली शोज व्हेन सिग्नल हैविंग ए लो फ्रिक्वेंसी, अगर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है वो हमारी काफी कम है तो हमारा क्या होगा, लेमडा ज्यादा होगा, लेमडा की वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। और लेमडा की वैल्यू हाई होने से क्या होगा, रेडिएटेड पावर पी हमारा कितना होगा, दैट विल बी लेसर, वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए दिस रिलेशन क्लियरली शोज दैट व्हेन सिग्नल हैविंग ए लो फ्रिक्वेंसी हाई वेवलेंथ इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। तो हमारा जो पावर रेडिएटेड है वो काफी कम होगी, वेरी लो, एंड द सिग्नल विल वैनिश आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वी यूज द हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यूज करते हैं जिससे कि लैम्डा की वैल्यू कम हो और पावर रेडिएटेड हाई। ओके, थैंक यू वेरी मच।